गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हिंदुओं पर दिए गए अपने बयान की वजह से विवादों में घिर गए हैं। आचार्य देवव्रत ने हिंदुओं को ढोंगी बताया और कहा, तुम ये तो बहुत बोलते हो, गो माता की पूजा करते हो, तिलक भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, पर बेचारी दूध नहीं देती तो घर से भी निकाल देते हो, न दूध पीते न गाय पालते हो, लेकिन गो माता की जय हो। इसलिए मैं कहता हूँ ये हिंदू समाज ढोंगी नंबर वन है, न दूध पीते हो न गाय पालते हो और गो माता की जय हो जाएगी गो माता की जय। ये जो मनुष्य है ना, इस जितना पाखंडी, इस जितना ढोंगी एक भी प्राणी नहीं धरती है। असंख्य प्राणियों में इस आदमी से ज्यादा ढोंगी, बनावटी, दिखावटी कोई प्राणी नहीं। तुम जय तो बहुत बोलते हो, गौ माता की पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, पर बेचारी दूध नहीं देती तो घर से भी बाहर निकाल देती हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की ना दूध पीते ना गाय पालते, गौ माता की जय हो। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू समाज ढोंगी नंबर वन। गौ माता को समझो, जानो, ये सही अर्थों में गौ माता है। भगवान ने गौ माता के पेट में, आंतों में सूक्ष्म जीवाणुओं की फैक्ट्री लगाकर भेजा है। ना दूध पीते ना गाय पालते, गौ माता की जय हो जाएगी जय। गौ माता को समझो, जानो, ये सही अर्थों में गौ माता है। भगवान ने देसी गौ माता के पेट में, आंतों में सूक्ष्म जीवाणुओं की फैक्ट्री लगा करके भेजा। उन्होंने कहा कि लोग पूजा करने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं पूजा के लिए, ताकि भगवान उन्हें आशीर्वाद दें। लेकिन मैं घोषणा करता हूं कि आप प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर दो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, तुम जो रासायनिक खेती करते हो उससे तो प्राणियों को मारने का काम करते हो, और प्राकृतिक खेती करोगे तो प्राणियों को जीवन देने का काम करोगे। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं पूजा के लिए, भगवान खुश होंगे। लेकिन मैं ये घोषणा करता हूँ कि भाई लोगों, प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर दो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, कतई अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? मैं प्रमाण के साथ इस बात को कहता हूँ। तुम अब जो रासायनिक खेती करते हो उससे तो तुम प्राणियों को मारने का काम करते हो, और प्राकृतिक खेती करोगे तो प्राणियों को जीवन देने का काम करोगे। उन्होंने कहा, ये जो मनुष्य है ना, इस जितना पाखंडी, इस जितना ढोंगी एक भी प्राणी नहीं है धरती पर। इस प्राणी मनुष्यों से ज्यादा ढोंगी, पाखंडी इस धरती पर कोई नहीं। वे बोले, वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ कह रहा हूँ कि रासायनिक खाद के प्रयोग से आप पशुओं को मार रहे हैं, अगर आप जैविक खेती को अपनाते हैं तो पशुओं को जीवन देंगे। राज्यपाल देवव्रत ने यह बयान बुधवार को नर्मदा जिले में प्रकृति की गोद में जैविक खेती विषय पर आयोजित एक सेमिनार में दिया, जिसके बाद पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।